एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खाली एलन में सुसाइड हो रहा है और दूसरी जगह हो रहा है, कौन बताएगा? आप तो एलन वाले हैं खुद ही हैं। सर नमस्कार, सर नमस्कार, आप ये स्टडी की है सर? सर इस साल के जो 21 बच्चे हैं उसमें 14 बच्चे एलन के हैं। 14 बच्चे एलन के हैं सर, कारण ये है कि कुल कितने बच्चे डेथ हुई है? सर टोटल 3 लाख के आसपास बच्चे हैं, उसमें 70% बच्चे एलन में होते हैं। वो तो मुझे मालूम है, मैं खाली पूछ रहा हूँ आपको कि अपने जो है सुसाइड कितने बच्चों के राजस्थान में कोचिंग के अंदर है? फिर आप कर रहे हैं? नहीं है राजस्थान का तो नहीं मिल रहा। तो राजस्थान में भी कहाँ का होगा? खाली कोटा का है। कोटा कोटा और कोई बैठे मालूम है सुसाइड हुआ कहीं पर? एलन बताओ, आप बताओ। हाँ बताइए, आप बताइए। सर डेटा वाइज जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा एलन के सुसाइड किए हैं इस साल सेशन में, 21 बच्चों में से 14 बच्चे एलन ने के ही सुसाइड किए। उसका ये भी कारण है कि एलन में IIT और मेडिकल के सबसे ज्यादा बच्चे बाहर के आकर पढ़ने वाले एलन के होते हैं। अभी CS महोदय साहब ने बहुत अच्छी बात की जो सबसे लास्ट लाइन थी कि कांट टॉलरेट, तो सर अभी सबको सुना मैं सर 2 मिनट में सर बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं 25 साल से एलन में। आप बोलिए, आराम से बोलिए पूरी बात। और जैसे वर्मा जी ने कहा वैसे मेरे साथ भी होगा कि मैं छोटे से गांव बिलाड़ा का रहने वाला और कोटा एलन में पढ़ने गया था, तो शुरू में मुझे भी ऐसी हुई एंजाइटी, माता पिता का प्रेशर, उसके बीच की बात को मैं कहना चाहता हूँ। 50 करीब से बात करी, पिताजी माता जी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे की जिद को पूरी करें। एक बच्चे ने कहा मुझे डॉक्टर बनना, बनेगा नहीं बनेगा लेकिन वो जिद करता है। पिता माता कहते हैं मैं बच्चे को ऑप्शन नहीं दूंगा, तो जिंदगी में मुझे जो ताने मारेगा कि आपने उस टाइम अगर उनको पढ़ने दिया होता, अच्छी जगह भेजा होता, तो शायद में डॉक्टर इंजीनियर बनना। तो ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो भावनात्मक बॉन्डिंग है इसके अंदर दोनों का वो काम करता है। मैं भी घर से लड़के निकला था मुझे कोटा पढ़ने जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जेएन साहब आते हैं जीप में बड़े अच्छे होते हैं, भाई पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे तो बिजली विभाग से आते थे, बोले मुझे जीप में घूमना है, तो मैंने पिताजी से लड़के में गया। 10वीं में परसेंटेज कम थी लेकिन एलन में पढ़ के मैं इंजीनियर बन गया, कोटा से इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर, वही वाला इंजीनियर बना, केमिस्ट्री पढ़ा। लेकिन 25 सालों में कोचिंग के लिए जैसे बात चल रही थी कि 9वीं कक्षा से बच्चों को बुला लेते हैं, 11वीं बुलाते सर, मैं हकीकत बोल रहा हूँ कोई भी कोचिंग किसी बच्चे को नहीं बुलाता है। हमारे देश का जो शिक्षा का ढांचा है, IIT परीक्षाएं जिस लेवल पे होती है उसका पेपर भारत की किसी भी स्कूल के कोई टीचर पेपर सॉल्व ही नहीं कर सकते, उसका लेवल इतना ऊंचा होता है। और सरकारी स्कूल या जो स्कूल के लेवल है उनमें उनमें जमीन आसमान का गैप होता है। तो एक बच्चा जो चौमू में पढ़ता है स्कूल में वो कहता है कि मेरा बच्चा IIT करना चाहता है तो मैं कैसे करूं, जहां पर साल में पूरे टाइम टीचर भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उसकी पहली इच्छा होती है वो जयपुर में आकर सेंट जेवियर स्कूल के अंदर एडमिशन लेवे, जहां पर टीचर भी अच्छा और स्कूल का रैंकिंग भी इतना अच्छा है जहां से सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन स्कूल की अपनी लिमिटेशन से वो बच्चों को नहीं दे सकता, तो ऐसे टाइम पे उसको पैरेलल व्यवस्था देने का काम कोचिंग संस्थानों ने किया, जहां IIT और मेडिकल के जो एक्सपर्ट कोच है उन्होंने उन बच्चों को रास्ता दिखाया कि तुम चाहे चौमू के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो लेकिन तुम भी IIT में जा सकते हो जैसे सेंट जेवियर का बच्चा जा सकता है। अब भारत के अंदर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र, वहां के स्टेट बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जूनियर कॉलेज और प्री यूनिवर्सिटी के अंदर 11-12 क्लासों को ही उन्होंने कोचिंग की सरकार ने परमिशन दे रखी है, तो वहां पर बच्चा उन सरकारी स्कूलों के अंदर ही कोचिंग करता है। कहने का मतलब डमी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है सरकार ने खुद दे रखा है। तो सर इस वजह से क्या हो रहा है, वहां के बच्चे उस स्कूल में जाकर एक्टिविटी नहीं करते, IIT में हो जाते हैं। यहाँ सभी विद्वान बैठे हैं, अगर पिछले 10 सालों के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अगर डेटा निकालेंगे तो 50% भारत में IIT के अंदर सेलेक्ट होने वाला कोई स्टेट है तो सिंगल स्टेट वो है आंध्र और तेलंगाना। उसका कारण स्कूली शिक्षा के अंदर और उसमें फर्क होना। तो सर ये सब पेरेंट्स और उनके स्तर पर चीजें होती हैं। आज जितने सुझाव और जितनी चीजें बोली गई बैठ सभी उनकी बातें, सर किसी भी रोज सरकार का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल अचानक आकस्मिक अगर एलन को चेक करते
बिना बताए बिना नोटिस के, तो जितने सुझाव आए थे उनसे प्लस ही आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं। शायद भारत में इतनी अच्छी सुसाइड को रोकने के अरेंजमेंट नहीं होते जितने हमने सब कर रखे, हमने हॉस्पिटल के अंदर बना रखे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन सर हम भी बहुत आहत हैं कि बच्चे ऐसे ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, हमें भी पता नहीं चल पा रहा है। और ये अगर जैसे आपने कहा सर एंट्रेंस टेस्ट और से हैं, पिछले 5 सालों के 3 संस्थानों के डेटा, IIT कॉलेज में जो है 45 सुसाइड हुए पिछले 5 सालों में, IIM में 10 हुए, नवोदय विद्यालय में 49 हुए। तो अगर अनुपात देखो तो कोटा से 4 गुना है, वो बच्चे तो IIT कॉलेज जा चुके थे। तो ये एक समझना पड़ेगा कि मानसिक बीमारी है और इसका सबसे सही उपचार जो अभी रवि सर ने भी बोला, डॉक्टर त्यागी साहब ने बोला और भी बहुत सारे ने बोला कि 1-to-1 काउंसलिंग, उस बच्चे को विंडो देनी पड़ेगी, वो अपनी बात चाहे पिता से परेशान है चाहे सफलता से नीचे, वो बात अपनी कम नहीं होगी कोई बात। थैंक यू सर। एलन का तो क्योंकि आंकड़े आ रहे हैं अखबारों में, हाँ जी सर, मैंने कोई टारगेट करके एलन की बात नहीं करी है क्योंकि अखबार में खबर आ रही है एलन की इंस्टीट्यूशन में 18 लोग बच्चे मर गए, इसलिए मैंने कहा। वरना एलन की जब आप खुद कहते हैं ब्रांचेज अभी पूरे कंट्री के अंदर है और कहीं पर जीरो सुसाइड हो रहा है, तो खाली कोटा में क्यों हो रहा है? वो तो रिसर्च होनी चाहिए ना। जो धारीवाल ये बोल रहे थे तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हिंदुस्तान भर में अभी ब्रांचेज है, वो मैं आंकड़े में लिखे थे भूल गया कहीं पड़े होंगे, बड़ी संख्या में अभी संस्थान एलन है सब जगह। आप खुद कह रहे हो कि वहाँ जीरो है सुसाइड की। सर वो मेरा व्यंग था कि देश भर में हमारे सभी जगह पे भी सुसाइड हो रहे हैं लेकिन उनको मीडिया उस तरीके से नहीं छापती है या वहाँ उस काउंटिंग का व्यवसायिक वो नहीं है। और जैसे मैंने बात कही थी नारायणा और चेतनिया की, जिनके 3-3 लाख बच्चे और सबसे ज्यादा सुसाइड उन्हीं के होते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे उसका काउंटिंग वाले प्रोसेस स्कूल में काउंट होता है क्योंकि उनके स्कूल से। तो मैंने सर वो बात कही थी, तो बात सुनो फिर मालूम करो वहाँ क्यों नहीं छपता है। आप इधर विज्ञापन देते हो तो छाप देते लोग, रात में इधर विज्ञापन दे रहे हो तभी छाप रहे हैं, और वहाँ पता नहीं वो क्या करते होंगे कि वो न्यूज छपती नहीं उनकी, तो जो आप खुद कह रहे हो। खैर बहस का विषय नहीं है, कमेटी बनाने की मैंने घोषणा कर दी है, आप आइए उस कमेटी के अंदर, आपका तो उसमें मेंबर बनाना पड़ेगा, आपको तो एलन की बड़ी संस्थान है, बैठ के बात कीजिए, 15 दिन में मुझे रिपोर्ट चाहिए कि उस पर क्या क्या करना चाहिए, आगे के लिए क्या होना चाहिए। हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, सबको चिंता भविष्य की होनी चाहिए बच्चों की। सर तो बिल्कुल सर, आपने आज मीटिंग बुलाया।